अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ लेकर आई हूँ। उसका नाम मैं अभी नहीं बताऊँगी आपको। पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ मैंने लिया है एक पटाटो जिसका मैंने छिलका हटा लिया है। तो ये अब आपको बताती हूँ कि ये किस लिए लिया है। आपने इस तरह से एक आलू लेना है और आलू लेने के बाद उसका छिलका हटा देना है। हटाने के बाद आपको इसको कद्दूकश करना है। तो मैं आपको करके भी दिखाऊँगी और आपको हर स्टेप दिखाऊँगी, आपने ध्यान से देखना है। और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह से लगाइएगा आप। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान ख़त्म होने वाले हैं और अब ईद आने वाली है, तो ईद पे हर कोई चाहता है कि हम अच्छे नज़र आएँ, हमारा फेस अच्छा नज़र आए और हमारे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएँ। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ मैं आपके लेकर आई हूँ उनके लिए, जो जिनके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं और उनको थोड़ा स्ट्रेट करने के लिए और शाइनिंग करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त सी एक रेमेडी है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसको लगाने से आपके बाल रेशम की तरह नरम मुलायम हो जाएंगे, चमकीले हो जाएंगे और जिसके बाल टूट गए हैं, दो मुँह के हो गए हैं, तो उसके बाल भी ठीक हो जाएंगे। और दूसरा ये कि इसको लगाने से क्या होगा कि आपने सुना होगा कि आलू को लगाने से ये होता है कि बाल जिसके वाइट होते हैं तो उनके बाल भी ब्लैक हो जाते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं अपने बालों में लगाने के। तो मैं इसको बनाती हूँ और इसको आपको दिखाती जाती हूँ कि किस तरह से इसको रेडी करना है। तो मैं इसको कद्दूकश करती हूँ पहले। इसको आप ज़रूर लगाइएगा, एक वीक में 2 से 3 बार भी आप इसको लगा सकते हैं 2 घंटे के लिए। तो मैं इसको पहले कद्दूकश करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आलू को कर लिया है कद्दूकश। और कद्दूकश करने के बाद आगे की आपको बताती हूँ कि आगे इसको किस तरह से रेडी करना है। तो ये ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और सलून नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि घर में बैठ कर ही, घर में रह कर ही हम अपना बालों को और अपने फेस को बहुत खूबसूरत सा बना लें। तो ये उन्हीं के लिए है। तो मैं इसको बनाती हूँ और रेडी करती हूँ। और जो भी मैं चीज़ बनाती हूँ, रेमेडी बनाती हूँ, तो वो गर्ल्स के लिए भी होती है और बॉयज़ के लिए भी होती है। क्योंकि कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं जो वो भी शौकीन होते हैं कि हमारे बाल थोड़े स्ट्रेट नज़र आएँ, कर्ली होते हैं कुछ बॉयज़ के बाल, तो वो भी चाहते हैं कि हमारे बाल स्ट्रेट हो जाएँ, तो वो भी इसको लगा सकते हैं। तो अब मैं इसको बनाती हूँ। इसको लगाने से आपके बाल स्ट्रेट भी होंगे, नरम मुलायम सॉफ्ट चमकीले और ब्लैक भी हो जाएंगे। इनके बाल थोड़े से वाइट है ना, तो उनके बाल ब्लैक भी हो जाएंगे। आलू तो बहुत ज़बरदस्त होता है, इससे बाल हमारे ब्लैक भी हो जाते हैं। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 कप पानी। ये देखें, 1 कप पानी है। 1 कप पानी डाल देंगे, जो नॉर्मल चाय का कप होता है ना, बस वही पानी डालना है इसमें। अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा, अगर आपके बाल नॉर्मल हैं तो आप छोटा आलू भी ले सकते हैं। तो मेरे जो बाल हैं वो नॉर्मल हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है बहुत ज़्यादा, और इसलिए मैंने छोटा आलू लिया है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ चूल्हे पे मैंने साफ़ बर्तन रखा है बिल्कुल, जिसमें कोई मिर्च मसाले वाली चीज़ नहीं बनती, इसमें सिर्फ चाय बनती है। तो इसमें मैं ये डाल देती हूँ और इसको हमने 10 मिनट तक पकाना है। इसको नॉर्मल आंच पे बनाना है आपको, बहुत ज़्यादा तेज़ पे नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा लाइट पे भी नहीं बनाना। इसको अच्छे से पका लेते हैं 10 मिनट तक। अगर आपको आज की ये रेमेडी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप लोग वीडियो देख कर ऐसे ही गुजर जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे इसका पता चल जाता है कि कौन मुझे सब्सक्राइब कर रहा है और कौन ऐसी वीडियो देख कर आगे निकल रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। जब आप इसको अपने बालों पे लगाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मैंने भी इसको लगाया था तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। और मैंने सोचा कि मैं अगर अपने लिए बना रही हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर किया जाए, ताकि आप भी इसको देखें और इससे पहले आपके बाल सिल्की और सॉफ्ट हो जाएँ। ये देखिए, यहाँ पर ये हो गया है, इसको 10 मिनट हो गए। अब मैं इसको उतारती हूँ और ये ठंडा हो जाएगा, तो फिर मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। ये देखिए, इसको मैंने उतार लिया और उसमें से बहुत ज़्यादा धुएंधार हो रहा है ये, तो इसलिए ठंडा हो जाए, फिर मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और ये देखिए इस तरह से बन गया है, लेकिन अभी भी इस तरह से स्मूथ नहीं हुआ है। तो इसको मैं मलमल के कपड़े से छानती हूँ, ठीक है। इसको आपने मलमल के कपड़े से छानना है। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है तो आप इसको छन्नी की हेल्प से भी छान सकते हैं, जिससे आप आटा छानते हैं। तो मैं इसको पहले छान लेती हूँ मलमल के कपड़े से और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको मैंने मलमल के कपड़े से छान लिया है और ये देखिए कितना स्मूथ हो गया है। अब आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ कि इसमें हमने क्या ऐड करना है।
देखिए यहाँ मैंने लिया है 2 स्पून कॉर्नफ्लोर, और आपको भी इस तरह से कॉर्नफ्लोर लेना है, कोई कुछ और नहीं लेना है, कॉर्नफ्लोर ही लेना है। तो अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप इसका 2 स्पून से ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो नॉर्मल बना रही हूँ इसलिए मैंने 2 स्पून लिया। अगर आप ज़्यादा लेंगे, बड़ा आलू लेंगे, तो फिर आप इसके स्पून बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 2 से 3, 3 से 4 भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा लाइट सा बना लेती हूँ, थोड़ा पानी डाल के। ये देखिए इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है आपको, थोड़ा सा पानी डालना है कि बस ये इतना लिक्विड सा हो जाए। अब इसको हम डाल देते हैं आलू के मिक्सचर में, ये जो हमने बनाया है इसमें इसको हम ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर दोबारा से हम इसको उसी डेगची में डालते हैं जो हमारी साफ डेगची थी। तो इसको मैं डाल देती हूँ उसमें, और हमने इसको 15 मिनट पकाना है हल्की आंच पर। गैस में हमने इसको डाल दिया है। अब ये इस तरह से बन जाएगा जैसे क्रीम होती है ना, क्रीम टाइप का बन जाएगा ये। हल्की आंच पर बनाना है आपको इसको, बहुत ज़्यादा तेज़ से बन जाएंगे तो ये सारा आपकी डेगची में ही चिपक जाएगा। ये देखिए ये पोटैटो है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो होता है ना, थोड़ा सा देखें ये कितना से थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक होने लगा है। आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, आपको पता भी होगा ये कि आलू के जो छिलके होते हैं उनको पानी में बॉईल कर ले अच्छे से, तो फिर क्या होगा, वो आलू के जो छिलके होंगे ना उसका पानी जो होगा ना वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, और फिर आप उसको अपने बालों में स्प्रे कर सकते हैं आराम से। ये देखिए कितना ठीक हो गया ये, मुझे इसको पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं हल्की आंच पर। अब इसको मैं उतार लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा पोटैटो मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है, और बहुत ही क्रीमी और बहुत ही सॉफ्ट बना है। अब इसमें 2 चीज़ें हमने ऐड करनी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें हमने डालना है 1/2 टीस्पून कोकोनट ऑइल। तो 1/2 टीस्पून से डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने कम बनाया है, तो अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो आप इसको 1 टीस्पून भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इसको थोड़ा बनाया इसलिए मैं 1/2 टीस्पून डालूंगी। और दूसरी चीज़ है ये बादाम का तेल, इसका भी मुझे 1/2 टीस्पून डालना है। तो इन दोनों को मैं डालती हूँ 1/2 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, क्योंकि ये दोनों ऑयल जो हैं हमारे बालों को मज़बूत करते हैं और जड़ से स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, और हमारे बालों की जो जड़ें होती हैं वो मज़बूत हो जाती हैं, और सही कि हमारे बाल टूटते नहीं हैं। तो ये दोनों ही ऑयल बहुत ज़बरदस्त हैं, अगर आपको वैसे भी लगाना चाहें तो आप वैसे भी अपने बालों में लगा सकते हैं इसको। तो ये दोनों ऑयल बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि बादाम खाने से भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और बादाम का तेल लगाने से भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इसको भी हमने डालना है 1/2 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया है रेडी। अब मैं इसको आपको लगाने का तरीका बता देती हूँ। इसको आपने लगाना है अपने पहले बालों को अच्छे से, आपके पहले बाल वॉश हुए हुए होंगे शैम्पू से, फिर उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है अपने बालों में। अपने बालों को अच्छे से सुलझा लीजिएगा, उसके बाद आपने ब्रश की हेल्प से, जो कलर लगाने वाला ब्रश होता है उसकी हेल्प से, आपने अपने बालों की जड़ों से लेकर अपने बालों की लेंथ तक आपने इसको लगाना है अच्छे से सुलझे हुए बालों में। और जब आपके सारे बालों में लग चुका होगा उसके बाद आपने इसको फोल्ड कर लेना है, बालों को अपने कैचर लगा लीजिएगा और फोल्ड कर लीजिएगा। फिर 2 घंटे तक आप लगे रह दीजिएगा, उसके बाद अपने बालों को अच्छे से शैम्पू के साथ वॉश कर लें। फिर आप देखिएगा जब आपके बाल सूख जाएंगे, फिर आप उसके बाद देखिएगा आपके बाल कितने खूबसूरत लगेंगे। अगर आप इसको रोज़ रोज़ नहीं बना सकते, अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे तो आप इसको बना के रख दिए 1 हफ्ते तक का, और 1 हफ्ते का आप बना के फ्रिज में रख दें इसको किसी बंद जार में, और फिर इसको आप आराम से जितना आपको लगाना अपने बालों में आप इसको निकालें और लगा लें। अगर आपको आज का मेरा ये पोटैटो मास्क पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग भी इससे पहले इसका फ़ायदा उठा सकें। जिस तरह से मैंने इसको रेडी करा है इसी तरीके से आप भी इसको रेडी करिएगा। और जब भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, अच्छा नहीं लगता तो इसलिए आप प्लीज़ जब वीडियो पे आया करें तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मैं जो भी अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ, कोई अच्छा सा ब्लॉग या अच्छी सी रेसिपी या रेमेडी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए।
जब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।